कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे। आज मैं आई थी अम्मी की तरफ गांव में, शादी के बाद मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैंने डेली रूटीन का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रूटीन बहुत टफ हो जाती है शादी के बाद ना, रूटीन बहुत टफ हो जाती है, डेली काम भी करना होता है और साथ ही ऑफिस और बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, आना जाना भी पड़ता है, दावतें भी खानी होती हैं। तो उसके साथ तो मेरे गांव में मेरी आंटी ने की थी दावत, तो उधर गई थी, वो वाले क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो उसके बाद रात को मैं घर आई हूँ और 2 दिन के लिए मैं गई थी और घर की कंडीशन चेक करें, कहाँ कहाँ घर का सारा क्या कहते हैं सामान फेंका हुआ है हस्बैंड साहब ने। किचन आई तो किचन में ऐसे ही चाय बना के गिराई हुई थी। और मैं गई थी शाम के टाइम फिर बाज़ार, शाम के टाइम में गई थी बाज़ार, वहाँ से मग लेके आने थे। अभी मैंने शिफ्टिंग की है तो काफ़ी सामान है जो लेके आई हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी डेली व्लॉग में। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी लेके आई बाज़ार से, ऐसे ही रखी हुई हैं, अभी मैं इनको सेट करती हूँ। अभी तो मैंने किचन में जा के देखा है, सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था। अभी ये मैं कर्टन्स लेके आई थी, ये अभी लगाने का सोच रही हूँ। दोनों बेडरूम्स के थे, एक मेरे बेडरूम का था, एक साथ वाले बेडरूम में जो मेरी आंटी रहती हैं उसमें। और फिर मैं किचन में आई हूँ, किचन में आई हूँ, वहीं खाना खाया था तो वहीं उन्होंने सारा सामान गिराया हुआ है। किचन में आती मैंने पहले तो सफाई की है, सारी चीज़ें उठा के रखी हैं। एक दिन बंदा घर से जाता है तो पीछे से अगले दिन आके सारा सामान उल्टा सीधा हुआ होता है, आके चेक करें कब में ऐसे उन्होंने डाल के रखी हुई थी चाय पीने के बाद, ऐसे बर्तन वो फ्राई पैन हर चीज़ ऐसी पड़ी थी, उसको साफ किया। फिर रात के लिए मैंने दूध को गर्म किया, रात के टाइम हम ना गर्म दूध पीते हैं हल्की सी शक्कर। मैं जब भी ना दूध रख के जाती हूँ चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए बाहर, तो वो सारा नीचे आ जाता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। पहले देखती रहती हूँ, फिर मैं बाहर किसी काम के लिए जाती हूँ, याद नहीं रहता कि चूल्हे पर दूध रखा था। ऐसे ही बस हर रोज़ चूल्हा साफ करना पड़ता है। मैंने हल्की आँच में इसको रख दिया, साथ ही मैंने बाकी काम देखे, किचन को थोड़ा बहुत साफ़ किया है। उसके बाद वो देखे सारा दूध अंदर गिरा हुआ था चूल्हे पे। अब मैंने आटा गूंदा, उसके बाद सुबह के लिए रेडी किए चीज़ें नाश्ते के लिए। अब मैं ये लेके आई थी शूज़ का रैक ना, हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो इसके लिए अब शूज़ आगे पीछे ऐसे ही पड़े होते हैं, कोई जगह ही रखने के लिए, तो मैं ये लेके आई थी। फिर गोदाम में ये शॉप है फाइन प्लास्टिक की, वहाँ से मिल जाता है, ये वहाँ से लिया है, रिजनेबल है। हाँ, ये मैं आप लोगों को ना एक सजेशन दूँगी, आप कभी भी ना ऑनलाइन चीज़ परचेज ना किया करें। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करती थी, लेकिन वो प्राइजेज डबल होती हैं, प्राइजेज डबल होती हैं, तो हम लोगों को वो क्वालिटी मिलती भी नहीं है जो हम लोग इधर से देखने के बाद ले लेते हैं शॉप से। पहले मैं बहुत चीज़ें जो देखती थी वही ऑर्डर कर लेते थे, लेकिन अब मैंने जो भी लिया है, जो भी घर सेट करने के लिए चीज़ें ली है ना, तो वो मैंने खुद जा कर शॉप से ली है। जो हम यहाँ से लेते हैं ना, उसको हमें पता होता है, देख के क्वालिटी और पैसे देख के हम लेते हैं। फिर ये मैंने एक टेबल लिया था साइड पे रखने के लिए, बच्चों का टेबल था वैसे तो, लेकिन जब बंदा किराए के घर में रह रहा होता है रेंट पर, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आ सकता, तो छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इनको ईजी होता है उठा के इधर से उधर लेके जाना। फिर वाइटनिंग सीरम है डर्मासेंस का, ये मैं 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट उसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो इसका थोड़ा सा भी कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया, बाकी कोई यूज़ कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा है रिजल्ट इसका। अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो कोई भी इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया है, लेकिन मैं सुबह के टाइम नहीं यूज़ करती, रात को यूज़ होने से पहले लगाती हूँ। बाकी फिर रात के टाइम वो दूध मग में डाल के मैंने रखा है अपना और हस्बैंड का, और साथ ही मैं ये वाली मैं जो मॉइस्चराइजिंग भी है फेयरनेस के लिए भी ली थी मैंने, ये नेक्स्ट ऑन शायद का नेम है, और ये लिप बॉम है मेरा बहुत पुराना है, पिछले साल से शायद मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, छोटा सा है लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, इसलिए अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट रखे हैं, टाइम नहीं मिलता खाने का। बाकी बस दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं पूरे दिन में टाइम निकालना। अल्लाह हाफिज़।